हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केलता कंसर्न। ये पत्तियाँ आप देख रहे हैं ना, पहचानिए किस चीज़ की पत्तियाँ हैं। ये है नीम की पत्तियाँ और इसे आयुर्वेद में अरिष्टा भी कहा जाता है। और इसे ऐसा माना जाता है कि ये सभी रोगों में फ़ायदेमंद है, किसी न किसी तरह से बस इसका कॉम्बिनेशन बदल करके सभी रोगों में फ़ायदेमंद है। और स्किन के लिए तो ये बेहतरीन है। तो इसके जो पत्तियां हैं उसका भी उपयोग है, इनकी पत्तियों पे जो ये जो इसकी स्टिक है ना, इनका भी बहुत अच्छा उपयोग है। और इनके जो ये डंडियां हैं इनका भी उपयोग है, मतलब और इनके बीज भी, मतलब हर एक चीज़, इनके पेड़ की हर एक चीज़ बहुत उपयोगी, पेड़ की छाल, जड़, बीज, पत्ते, स्टिक, सब कुछ बहुत ही फ़ायदेमंद है। इनकी पत्तियों से तो मैं बनाऊँगी स्प्रे, और इनकी जो ये सीख है इनको मैं यूज़ करूँगी टूथपिक की तरह, और ये जो स्टिक है इसको मैं यूज़ करूँगी एज ए दातुन। दातुन इसलिए मैं यूज़ करती हूँ जब मुझे दांतों में कोई सेंसेशन होती है ना, या फिर ईचिंग होती है दांतों में, तो इसका दातुन अगर हम मैं 2-3 बार कर लूँ ना तो वो ईचिंग भी ख़त्म हो जाती है, सेंसेशन भी ख़त्म हो जाती है। और वहीं अगर मैं माउथ वॉश करने लगूँ ना तो उसके बावजूद वो प्रॉब्लम होती है और पस बनने की प्रॉब्लम हो जाती है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, तब से मैं ये दातुन ही करती हूँ। और भी कॉम्बिनेशन यूज कर लेती हूँ, हल्दी, नमक और फिटकरी से भी मैं मंजन कर लेती हूँ अगर ये अवेलेबल नहीं होता। बट अगर आपके पास ये दातुन मौजूद है तो बेस्ट है ये। इसको आप फोड़े फुंसिया घाव पे इसकी पत्तियाँ पीस करके लगा सकते हैं, इसको बॉईल करके इससे नहा सकते हैं, तो किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हटाता है इसकी पत्तियाँ। तो इसका फेस सीरम भी बना सकते हैं, बहुत सारे यूज़ में इसको ले सकते हैं। मैं अभी इनको छांट रही हूँ क्योंकि पत्तियाँ बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं हैं, थोड़ा सा ख़राब मौसम अब चेंज हो रहा है ना, तो ठंडियों में इनकी पत्तियाँ जल्दी मिलती नहीं हैं। तो जैसे ठंडियों का मौसम जाएगा ना तब इनमें नए कपोले आएंगे तो पत्तियाँ बहुत फ्रेश मिलेंगी। फ़िलहाल जो है मैं इनको धुल करके धुल करके रख दूँगी, जितना यूज हो सकेगा यूज़ करूँगी, बाकी को मैं सुखा करके पाउडर बनाऊँगी। और उस पाउडर से मैं फेस वॉश और साबुन वगैरह सब कुछ बनाऊँगी। और रेसिपी आपको मैं धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी अपने इस चैनल के लता कंसर्न पे। तो इसके सूप, इसके फेस वॉश सब कुछ मैं बनाऊँगी। और ये जो स्टिक्स मैंने तोड़ के रखी हैं उसको मैं एज ए दातुन यूज़ करूँगी। ये सूख जाता है ऑब्वियसली, ये स्टिक है तो सूख जाएगा। जब आपको यूज़ करना हो तो इसको पानी में डिप करिए, उसके बाद यूज़ करिए, तो ये सॉफ्ट हो जाता है, फिर आपके मसूड़ों को नुकसान नहीं देगा। फ़िलहाल मैंने इतनी पत्तियाँ इकट्ठी की हैं, इनको मैं पहले धुल करके सीरम बनाऊँगी और उसके बाद फिर इन सबको धुल करके एक बार सुखा के रख दूँगी, जितना कुछ फ्रिज में रख दूँगी, कुछ बाहर सूखने के लिए रख दूँगी। तो आप भी इन प्राकृतिक चीज़ों को यूज़ करिए, इनके महत्व को समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं। ये सारी चीज़ें हमें इतना इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं, फिर भी पता नहीं क्यों लोग भूल चुके हैं इसके बारे में। इनके दातुन करिए, आज की डेट में बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबके दांत तो ख़राब है, बच्चों के, मतलब बूढ़ों का तो समझ में आता है, बच्चों के दांत खराब है इसी वजह से, क्योंकि हम लोग इन प्राकृतिक चीज़ों को भूल गए हैं। ऑनलाइन बाहर के वेबसाइट पे देखेंगे ना, इसके बहुत ही कॉस्टली इसके दातुन आते हैं, जिन्हें जो कि हमारे यहाँ फ्री में मौजूद है, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। इनका उपयोग करिए, इनको यूज़ करिए और इनके फ़ायदे लीजिए। इनसे अलग अलग मेडिसिन बनती है, वो इसको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो इसका पाउडर बना के रख लीजिए, फेस वॉश करिए इसके पाउडर से, इसको एज ए सोप यूज कर सकते हैं, मतलब कई तरह से इसको यूज कर सकते हैं।